पढ़ेंगे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब इसमें वर्ड और उसका मीनिंग है, पहले कीवर्ड्स, मैनमेड एंड आर्टिफिशियल। मैनमेड जो आदमी खुद बनाता है, ठीक है, उसे मैनमेड बोलते हैं, या फिर आर्टिफिशियल दैट थिंग्स दैट इज मेड बाय ह्यूमन। सैम्पलिंग, सैपलिंग, सैपलिंग और यंग प्लांट्स, एक यंग प्लांट को सैपलिंग बोलते हैं। क्राउल, मूविंग फॉरवर्ड बाय ड्रैगिंग द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के क्लोज आके उसको ड्रैग करना, वो क्राउलिंग कहते हैं, क्राउल कहते हैं। इन्फेंट, अ बेबी एज बिटवीन टू मंथ एंड वन ईयर, तो वो इन्फेंट है। अब इसमें पढ़ेंगे हम लाइफ ऑन अर्थ। हाँ बताओ, लाइफ ऑन अर्थ में क्या क्या पढ़ा तुमने? अर्थ इज ओनली प्लैनेट ऑन द सोलर सिस्टम व्हिच हैज लाइफ। अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, इट हैज आवर लाइफ ऑन। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स क्या समझ में आ रही है? नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल जो होता है कि देर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारी थिंग्स हैं। सम ऑफ द थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल, एयर, वाटर, सॉइल आर फाउंड इन नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। ये जो हमारे चारों तरफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एयर है, वाटर है, सॉइल है, इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल थिंग्स। ये अपने आप बने हुए हैं, इनको किसी ने नहीं बनाया, तो ये नेचुरल थिंग्स हुए। नेचुरल थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल दैट हैव लाइफ कैन प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर काइंड आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। जो नेचुरल थिंग्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल, और वो अपनी तरह ही प्लांट्स या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके खुद के छोटे छोटे वो गाय बछड़े जो आते हैं, तो वो अपने तरह ही आते हैं, तो वो लिविंग थिंग्स होते हैं। However, natural things like air, water, and soil do not have life and do not give birth to young ones. जो natural things जैसे air, soil, and water, वो किसी को birth नहीं देते। वो किसी को birth नहीं देते। वो as it is जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। वो natural things हैं, living things नहीं हैं। समझो इसमें। Natural and man-made things. दोनों अलग अलग है। नेचुरल में एक जो अब एग्जिस्टिंग है, जो किसी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो, या फिर फर्दर प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो एयर हो गया, वाटर हो गया और सॉइल हो गया, और उसी में ही नेचुरल में आपके प्लांट्स आ गए। नेचुरल में प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, ह्यूमंस भी आ गए, जो कि अपने रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे बच्चे आते हैं, फिर प्लांट्स में छोटे छोटे अलग प्लांट्स आते हैं, तो वैसे हुआ। However, natural things like air, water and soil do not have life and they do not give birth either. They are called non-living things. Things such as car, table, fan, building are called man-made things और artificial things। वो क्या है कि आदमी ने उनको बनाया है। Living and non-living things are dependent on each other. Living और non-living things जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे हम ऑफिस जाने के लिए गाड़ी पर डिपेंडेंट है, स्कूल जाने के लिए बस पे डिपेंडेंट है, सब्जी लाने के लिए स्कूटी पे डिपेंडेंट है, तो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जैसे सोने के लिए हम बेड पे सोते हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स उस पे डिपेंडेंट है, घर नॉन लिविंग थिंग्स उस पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो याद है कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या?
लिविंग थिंग्स लिविंग दे मूव दे ब्रीद सेंस दे ग्रो दे ईट दे नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो दे स्टडी दे नीड ड्रिंक दे नीड वाटर टू लिव दे नॉन लिविंग थिंग दे डिड नॉट नीड न्यूट्रिएंट्स टू लिव दे डिड नॉट ग्रो. अब आता है लिविंग थिंग्स में मूवमेंट. मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट ऑल लिविंग थिंग्स मूव. मैन एनिमल लाइक कैट डॉग एलिफेंट वॉक और रन. वो चलते हैं या फिर दौड़ते भी हैं. ठीक है. बर्ड यूज विंग्स टू फ्लाई. बर्ड्स विंग्स को यूज करते हैं उड़ने के लिए. एलिफेंट नहीं दौड़ते हैं. एलिफेंट भी दौड़ सकते हैं कि उनके पास पैर नहीं होता. एलिफेंट के पास तो पैर होता तो वो भी दौड़ सकते हैं. लायन और टाइगर भी दौड़ते हैं. बर्ड यूज स्विंग टू बर्ड यूज विंग्स टू फ्लाई. अपने विंग्स को यूज करते हैं फ्लाई करने के लिए. जैसे एनिमल्स या फिर ह्यूमंस यूज करते हैं अपने लेग्स को भागने दौड़ने के लिए चलने के लिए, वैसे ही बर्ड अपने विंग्स को यूज करते हैं उड़ने के लिए. फिश स्विम विद द हेल्प ऑफ फिन्स एंड टेल. जो फिश होती है कौन होती है? फिश. फिश क्या होती है? फिश आसमान में नहीं, तो वाटर में. वाटर में कौन होता है? वाटर में फिश. फिश वाटर में जो होता है वो क्या करता है? अपने फिन से स्विम करता है. अपने फिन से स्विम करता है. अपने टेल से स्विम करता है. ठीक है. अभी तक नहीं पढ़ रही है. अभी अपने टेल से और फिन से स्विम करता है. स्नेक क्रॉल विद द हेल्प ऑफ स्केल्स. स्नेक्स जो है वो कैसे करता है? ऐसे ऐसे चलता है. रेंगता है. लिविंग थिंग्स मूव इन सर्च ऑफ फूड. लिविंग थिंग्स क्यों मूव करते हैं? सर्च ऑफ फूड. अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं. लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड. एक तो हो गया लिविंग थिंग्स अपने फूड के सर्च करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं. दूसरा ये हो गया टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डेंजर. अपने आप को किसी खतरे से बचने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. ठीक है. प्लांट्स क्लाइंबर टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप. क्रीपर ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड सनफ्लावर टर्न इट फेस टूवर्ड सन. जैसे प्लांट्स भी होता है वो भी ऐसे ही किस कुछ जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो हेल्प लेते हैं किसी भी ऊपर बढ़ने के लिए ग्रोथ करने के लिए. वो किसी छोटे से डंडे का या कुछ वो उसका सहारा लेके वो भी प्लांट्स भी लेते हैं. हाँ प्लांट्स भी हेल्प लेते हैं ग्रो करने के लिए. अब है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन ऑन. मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो अपने आप नहीं मूव करते हैं. जैसे चेयर हो गया. चेयर को आपको मूव कराना पड़ता है. उसको उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना पड़ता है. टेबल कार डज नॉट मूव कैन नॉट मूव इट्स ऑन. अपने आप वो मूव नहीं करता है. टेडी बियर वही नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हो गया. जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हो गया वो अपने आप मूव नहीं करते. उनको मूव करने के लिए लिविंग थिंग्स की हेल्प लेनी पड़ती है. रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग. हम जो ब्रीथ करते हैं उस ब्रीथिंग प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं. ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच एज डॉग्स कैट टाइगर लायन एटसेट्रा दे स्टे ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स. वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. किसके थ्रू ब्रीथ करते हैं? लंग्स के थ्रू. इंसेक्ट कॉकरोच मॉस्किटो ग्रास ऊपर ब्रीथ थ्रू एयर होल्स. एयर होल्स
उनके अंदर एयर होल्स होता है। तुमने क्यों नहीं बताया? तुमने तो बोला बताया था, भूल गई? अभी तो बोला तुमने बताया था। अच्छा भूल जाती हूँ, ये याद रहता है कि बताया था, चलो वो गुड, बहुत कम से कम इतना तो याद रहता है तुम्हें। जो इंसेक्ट्स हैं लाइक कॉकरोच, देखो हमारा क्या है, लंग्स के थ्रू जो भी कैट होता है, डॉग होता है, लायन होता है, जो डॉग्स होते हैं वो अपने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। और जो इंसेक्ट्स होते हैं लाइक कॉकरोच, मॉस्किटो, ग्रास हॉपर, वो कैसे ब्रीथ करते हैं? एयर होल्स, उसके अंदर एयर होल्स होता है जिसके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। उनके बॉडी में, उनके बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं एयर होल्स, ठीक है। जैसे हमारे अंदर होता है लंग्स, इंटरनल ऑर्गन है वो अंदर होता है, वैसे ही उनके बॉडी पे ब्रीथ होल्स होते हैं, ग्रास हॉपर्स, मॉस्किटो, बॉडी पे होता है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश जो है अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है, रेड कलर का गिल होता है उसका, ठीक है, गोला गोला बना। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स, टाइनी पोर्स होता है ऑन देयर लीव्स, उसको क्या कहते हैं? टाइनी पोर्स, उसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, टाइनी पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, जो उनके पत्तों पे छोटे छोटे दाग होते हैं उनको टाइनी पोर्स कहते हैं, टाइनी पोर्स कहते हैं वो, उनको स्टोमेटा कहते हैं। दिखते भी नहीं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सांस नहीं लेते, उनका कोई रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता। रिस्पॉन्स लिविंग थिंग्स फील हैव सेंस, लिविंग थिंग्स जो होता है उनको फील होता है, वो रिस्पॉन्स करते हैं, उनको कुछ एक्शन हो तो उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, कोई क्रिया होती है उनके ऊपर तो वो उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन वो शो करते हैं। कौन? लिविंग थिंग्स। अभी हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ, तो बी फोकस ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स फील एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। डू यू क्राई समटाइम्स, कभी रोते हो? यस यस। और गेट एंग्री समटाइम्स? यस यस। और फील पेन? यस। पेन नहीं होता कभी? दर्द नहीं होता कभी? दर्द कभी नहीं होता? तुम अंगी लेके मारेंगे तो, डंडा लेके पिटाई करें तो देखें दर्द होता है कि नहीं? यस, यू ऑल डू सो बिकॉज वी कैन, वी क्राई व्हेन वी फील सैड, जब हमें दुखी होता है, जब हम दुखी होते हैं तो हमें रोना आता है। व्हेन वी क्राई व्हेन वी फील सैड, वी लाफ व्हेन वी फील हैप्पी, हम हंसते हैं जब हमें कुछ चीज हंसी वाला होता है। वी कैट पुर व्हेन वी स्ट्रोक a dog bark at a stranger, dog hamesha stranger ajnabi par bua bura aata hai। plant koi bhi jo bhi yahan ka na ho ajnabi bahar se jo aaye। plant grow toward the sunlight, plant jo hota hai wo sunlight ki taraf grow karta hai, kyun? kyunki sunlight use chahiye hota hai grow karne ke liye, to hamesha plant sunlight jidhar aa raha hota hai udhar ki taraf ho jata hai, theek hai। The leaves of a mimosa plant fold inward and drop when touched। हाँ, mimosa plant होता है, ठीक है। mimosa एक plant होता है, उसको जो touch करोगे ना तो क्या होता है? वो बंद हो जाता है। Very good। और उसको थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही खुल जाता है। थोड़ी देर बाद? हाँ, वो ऐसा प्लांट है उसके पत्तियों को टच करोगे तो अपने आप ही बंद हो जाता है। कैसे? ऐसे जैसे पत्ता होता है वो यूं बंद हो जाता है, ठीक है। ऐसे एक को पकड़ते तब दोनों बंद हो जाते हैं। हाँ, सब बंद हो जाते हैं। ह्यूमन हैव फाइव सेंस ऑर्गन, ट्रू, बताओ कौन कौन से फाइव सेंस ऑर्गन? आईज, ईयर, स्किन, टंग एंड नोज। Very good। Non-living things do not feel। Non-living things को मैंने मारा, किसी को भी फील नहीं हुआ। आपने धीरे से मारा।
जैसे भी मारा, मैं तेज मारूंगा तो मेरे को फील हो जाएगा, फिर मेरे को ही चोट लग जाएगा, उसको तो फील नहीं होगा, मेरे को उल्टा फील हो जाएगा। ठीक है, हाँ जैसे इसको मारा, ठीक है, इसको तो फील नहीं होगा, नॉन लिविंग थिंग को मैं मारूंगा तो मेरे को ही फील हो जाएगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट ग्रोथ। अभी हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, रिस्पॉन्स पढ़ा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का रेस्पिरेशन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग का रिस्पॉन्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रोथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ, वो कैसे बढ़ता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो और लिविंग थिंग्स ग्रो, टाइनी सीड्स जनरेट एंड ग्रो इनटू अ सैपलिंग देन ग्रो इनटू अ बिग प्लांट। जो छोटे प्लांट होते हैं वो धीरे 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 बढ़ते, जो छोटे प्लांट होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं, बड़े प्लांट बन जाते हैं। ठीक है, छोटे प्लांट जो होते हैं बड़े बन जाते हैं, छोटा जो एनिमल होता है धीरे धीरे बढ़ता हुआ बड़ा हो जाता है, छोटा जो आदमी होता है ह्यूमन होता है वो बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही लिविंग थिंग्स जो भी होते हैं, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए, ये तीनों छोटे से धीरे धीरे ग्रो करते हुए बड़े हो जाते हैं। ग्रो करने के लिए क्या चाहिए हमें, कौन सा प्रोटीन? वाटर। ग्रो होने के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन। हाँ, प्रोटीन किसमें होता है? प्रोटीन पल्सेस में। भूल गए, अभी पढ़ाया था। ठीक है, एंड अभी मैंने तुमको बता दिया ग्रो, एनिमल, प्लांट्स और ह्यूमन, तीनों छोटे से होकर बड़े होते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो ग्रो नहीं करता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर इतना है तो इतना ही रहेगा, इतना है तो इतना ही रहेगा, इतना है तो इतना ही, वो जितना है उसी साइज में उसी शेप में रहेगा थ्रू आउट कंटिन्यूस ऑफ लाइफ स्पैन, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब एक जनरल नॉलेज इसमें है, बैम्बू। बैम्बू जो है वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। बैम्बू जो है वो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट है। वो पर डे 91 सेंटीमीटर बढ़ता है। कितना बढ़ता है? हर रोज 91 सेंटीमीटर बढ़ता है, हर डे पर डे। डैडी, अगर हम इतना सा लाएंगे yeah. तो एक दिन में इतना बढ़ जाएगा। एक दिन में इतना बढ़ जाएगा। किसको न्यूट्रिशन चाहिए, लिविंग थिंग्स को और या नॉन लिविंग थिंग्स को? लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिशन चाहिए, क्यों? क्योंकि ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए और प्रोटीन के लिए। क्यों चाहिए न्यूट्रिशन? तो प्रोटीन न्यूट्रिशन ही हो गया, ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए, मसल जो ग्रो करने के लिए जो चाहिए होता है, और बीमारियों से बचने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है। ठीक है, तो हमें जो न्यूट्रिशन है, लिविंग थिंग्स नीड न्यूट्रिशन सो दैट दे कैन सर्वाइव, वो ताकि वो अपनी जीवन में जी सके आगे लंबा। दे गेट एनर्जी and nutrition to live and to work the food they eat. Plants take in water nutrition through their roots. Plant, हम तो अपना plants से ले लेते हैं, अब plants कहाँ से लेते हैं? वो अपने roots से होते हुए उनको nutrition मिलता है, plants को sand से nutrition मिलता है। ठीक है, हमें roots में डाल देते हैं, हम क्या roots से? हम नहीं डाल देते हैं, plants मिट्टी में nutrition होते हैं, जो कि plants roots के थ्रू उसको खींचते हैं। शोकिंग पढ़ा था ना अभी, शोकिंग क्या होता है? खींचना। जैसे कपड़ा सोख लेता है ना पानी को, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उसके जो जड़ होती है वो न्यूट्रिशन को खींचते हैं जमीन से और उसको पूरे प्लांट्स में देते हैं, और हम उस प्लांट से जो भी फूड या वेजिटेबल्स और जो भी मिलता है उसको हम खाते हैं, तो हमें भी वो न्यूट्रिशन मिलता है। कैक्टस प्लांट जो होता है उसको हम पानी देते हैं, उसके अंदर उसके रूम उसका जो मिट्टी होता है उसके अंदर बहुत सारा पानी भी होता है। नॉन लिविंग थिंग डू नॉट नीड न्यूट्रिशन, नॉन लिविंग थिंग्स को न्यूट्रिशन नहीं चाहिए होता है, क्योंकि उसको नहीं ग्रो करना है, ना ही उसको मसल्स बनाने हैं,
ना उसको किसी बीमारी का डर है, तो नॉन लिविंग थिंग्स को किसी चीज का कोई डर ही नहीं है, तो उसको न्यूट्रिशन तो नहीं चाहिए, ना ही उसे कोई एक्टिविटी करनी है, ठीक है, हाँ नहीं उसे कोई स्कूल जाना है, ना उसे कोई पढ़ाई करनी है, तो उसको न्यूट्रिशन तो नहीं चाहिए, ना उसे कोई खेलना, हाँ ना उसे खेलना है, ना उसे खाना खाना, बस बस हो गया। अभी नॉन लिविंग थिंग उठ के नहीं तो तुम्हें पिटाई भी कर देगा, इतना उसको बोल रहे। हाँ लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन, अब क्या है कि हर किसी का एक लाइफ स्पैन होता है, लिविंग थिंग्स का एक लाइफ स्पैन होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का कोई लाइफ स्पैन नहीं है, जितने दिन रहेगा रहेगा, जब तक तुम उसको डैमेज ना करो, जब तक तुम उसको तोड़ो नहीं, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन लिविंग थिंग्स का एक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। वो डाई भी होते हैं, डॉग लिव फॉर 12 इयर्स, डॉग जो है वो 12 इयर्स तक ही जिंदा रहता है, उसके बाद मर जाता है, ठीक है, मर जाता है, हाँ मर जाता है। टॉर्टोइज जो होता है उसके 100 इयर्स होता है, 100 इयर्स के बाद वो मर, ठीक है। प्लांट्स हैव अ डिफरेंट लाइफ, अलग अलग प्लांट्स का डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्पैन है, सम प्लांट्स लाइक पीपल ऑफ ट्री, पीपल ट्री वो 100 साल तक जीता है, या 200 साल तक, 300 साल तक, पीपल का पेड़ 300 साल तक भी जीता है, 500 साल तक, 500 साल तक, व्हाइल द एवरेज लाइफ ऑफ अ रोज इज अबाउट 30 इयर्स, रोज 30 इयर्स, ह्यूमन 100, ह्यूमन 100।